क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णा चौहान। क्या कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं सर मुगलसराय। मुगलसराय यहाँ बनारस में क्या करते हैं आप? बनारस में सर यही मतलब यही लेबर वर्क काम करते हैं। तो अभी 2-3 दिन से तो नहीं मिल रहा होगा? नहीं। तो 20 दिन अगर आप नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे पिएंगे? बस भगवान का आसरा है सर, मना रहे यही कि कुछ काम धाम हम लोग का खुल जाए, जो काम बंद चल रहा है काम धाम अपना। 20 दिन तक तो बंद रहे? नहीं सर, हमारे कहने मतलब ये हम लोग अपना पेट तो पाल लेंगे अभी, मान लीजिए घर नहीं गए तो, लेकिन हमारे बाल बच्चे बीवी क्या खाएंगे? तो वहाँ राशन मिलता है? नहीं सर, राशन नहीं मिलता। सरकार राशन घर तक नहीं पहुँचा पा रही है? नहीं। तो आप मुगलसराय तो आप तो पैदल हो चले जाएंगे? मुगल तो चले तो जाएंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम जो है कि अगर काम नहीं कर, हम तो खा लेंगे, लेकिन हम मतलब हमारे घर वाले क्या खाएंगे, यही हमारे कहना है। जैसे कि हम काम करेंगे तभी तो हमारे घर वाले को मिलेगा 2 रोटी खाने के लिए। ऐसे दिन भर में कितना कमा लेते हैं हम लोग का लेबर चार्ज? 420 रुपये है, 420 रुपये झाड़ी चल रहा है। रोज मिल जाता है? रोज नहीं, कभी आज किए तो कल नहीं मिला, कल किए तो परसों नहीं मिला, ऐसे। तो आपका ये है कि सरकार सबको राशन कम से कम पहुंचाए, जी, है ना जी। बंद तो खाना खाना और कम से कम आपका खाना और ये क्या नाम है काम हमें मिलना चाहिए। काम मिलेगा तो हमें खाना मिलेगा, या तो खरीद के हम खा लेंगे। जब काम ही नहीं मिलेगा तो हम खाना कहाँ से खाएंगे? अभी तो काम भी सब बंद है ना? काम सब बंद है, अगर काम चालू कर देंगे। अब ये मठ भी बंद कर दिए, अब मठ बंद करना सबसे बड़ी गुनाह है इनका। अगर मठ ये बंद कर दिए, अगर मठ बंद ना करते तो कम से कम गरीब आदमी जो है वो खाने के लिए तो ना मरता, कम से कम खाने का तो उनको वो करना चाहिए। ऐसे खाने का भी नहीं कर रहे, बहुत लोग हैं काम भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग सड़क पे। मान लीजिए खुदा ना खास्ता कोई कोरोना का मर गया, कोरोना जो एक वायरस आया हुआ है, तो उसमें सबसे बड़ी ये क्या होगा? वो भुखमरी से मर गया आदमी, एक व्यक्ति या नीचे एक बंदा भुखमरी से मर गया। कहां पे? नीचे अस्थि घाट में। तो उसको क्या बोलेंगे आप? सही में कोरोना से मर गया, वो कोरोना से मर गया कि वो बिना भूख के मर गया? क्या नाम था उसका, कुछ पता? नाम तो सर पता नहीं, वही लेबर वर्क कहीं बाहर का था वो। ये भी है। अच्छा, तो यही तो समस्या है सर। अब वो तो उसका तो पता ही नहीं कि किसे मरा, क्योंकि लोग बताएगा भी नहीं, बताएंगे तो सरकार। भुखमरी से मरा कि उसे कोरोना खा गया? अब कोरोना वायरस तो है, ये तो मैं भी मानता हूँ कि हाँ कोई वायरस यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है, मास्क लगाना चाहिए, मास्क भी है। हम ये बोलते हैं सर कि मान लीजिए 2 घंटा सुबह दे रहा है सरकार, 2 घंटा शाम को दे रहा है सरकार, क्या उस समय कोरोना नहीं चलता है क्या? राशन की दुकान भीड़ नहीं रहता है? घर के अंदर लक्ष्मण रेखा खींच दिया जाए तो लक्ष्मण रेखा के बाहर आदमी निकलेगा तो क्या उसे कोरोना नहीं पकड़ेगा? क्या हम बाहर घूम रहे हैं तो हमें कोरोना पकड़ लेगा? ये तो सर गलत चीज़ है। या तो तुम सब कुछ बंद कर दो, घर के बिल्कुल अंदर कैद कर दो, तब तो वो ठीक है। तो खाना कैसे खाएंगे लोग जिनके पास नहीं इंतजाम है? जैसे अभी खा रहे हैं वैसे ही खाएंगे, घर घर आप पहुंचाइए ना। वो लोग भी जब लक्ष्मण रेखा आपने बना दिया है तो ये आपकी सरकार का वो करना चाहिए कि आप घर घर पहुंचाइए उनको, वो लक्ष्मण रेखा के बाहर ही ना निकले, लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहना। तो क्यों 2 घंटा खोल रहे हैं शाम को, 2 घंटा क्यों खोल रहे हैं दोपहर? हमारे कहने मतलब उन लोगों के पास सर है, ठीक है, उन लोगों के पास पैसा कौड़ी है तो अपना खा रहे पी रहे, जो डेली जिसको जो है डेली पानी मतलब कुआं खोलना डेली पानी पीना है तो व्यक्ति वो क्या करेगा? हमारे घर में तो इसे जो मर गया है घाट पे उसका कोई अता पता नहीं है? नहीं, किसी हम लोग खैर अब ये दुनिया भर का वायरस हर जगह चल ही रहा है। अब ये तो आपका देश हमारा देश तो ये है भारत, भारत का अब जो भी इतना बंद है तो उसमें घाटा सरकार का कितना हो रहा होगा सरकार ही जानती होगी, और उसमें हम लोग का लेना देना क्या है? मगर रोज़गार जो डेली का कमाने वाला डेली खाने वाला, उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी, उसके लिए सोचना जरूरी है, उसके लिए सोचना जरूरी है। बाकी मरेगा वो तो भाई, अगर वो कमाएगा नहीं, आपने काम बंद कर दिया उसके बाद खाना बंद कर दिया तो बंदा जाएगा कहाँ? उसके बाद सोने भी आप नहीं दे रहे हो कहीं बाहर तो वो बंदा मरेगा। आप क्या करते हैं भाई साहब? अभी तो सड़क पे केवल जानवर और पुलिस नजर आ रही है और कुछ मजदूर लोग, वो भी सोच लीजिए कि 2 दिन जो है 2 दिन बाद जो कि बाबा भोलेनाथ के दया से प्रसाद जो है मिला, जो वही जो मतलब हम लोग खाना नमकीन बिस्कुट खा के मतलब वही अपना काम चला रहे थे, वो भी सोचिए कि पैसा आपके पास कुछ नहीं है? आटा दाल कुछ से खाना बनाते हैं? जी हाँ, खाना बनाते हैं, कंडी में बनाते हैं। स्टोव है? जी हाँ। नहीं नहीं, कहीं से गोहरी ले लेते हैं ना, गोहरी एक दूसरे जैसे ये 10-20 रुपये वो भी जैसे कि दो आज जानते हैं 2-3 दिन नहीं कमाया, तीसरे दिन बाद जो है हम लोग काम किए 100 रुपये का हम काम किए, 100 रुपये का ये काम किया, तुम भी आ जाओ तो उसमें हम लोग 50-50 रुपये खर्चा होगा, 50-50 रुपये जेब में पड़ा हुआ है। तो वही वो भी कोरोना की वजह से आज हम लोग जो है 50 फीट बालू जो है अगला ने हम लोग 150 में ढोया, जो कि हम लोग 300 रुपये लेते हैं, पर आप उसका भी फायदा उठा रहे हैं, उसका भी अब ये मजदूर का फायदा उठा रहे हैं। अब
आपका 30 रुपया किलो अभी टमाटर था, अब बड़े आदमी को लिए दिक्कत नहीं है, अब 60 रुपए किलो टमाटर हो गया है बंदी में, तो गरीब आदमी कैसे खाएगा? आलू 130 रुपए। मोटी मिसाल एक न बोलने वाली चीज मैं बोलता हूँ, गुटखा। एक गुटखा जो है पहले हम लोग को मिलता था 10 रुपए का 4, अब 10 रुपए का 2 मिल रहा है। अरे गुटखा का बात, एक बात की बात, नहीं नहीं वो सब ठीक है, ठीक है, एक महंगाई की बात कर रहे हैं। देखिए महंगाई कितनी परम सीमा में जा रही है, गरीबों के लिए परम सीमा में महंगाई जा रही है, साल आपका किलो हो गया, हर चीज महंगाई जा रही है, और अलग से बंदी और दूसरी चीज फिर काम नहीं है, जिसमें दुकानदार फायदा उठा। अब तो अभी खा लिए, अब सुबह सोचना है क्या करना। कल मैंने आटा खरीदा है भैया 30 रुपए किलो, आज वही आटा आपका 35 रुपया किलो खरीदना पड़ा मुझे, 5 रुपया एक दिन में बढ़ गया, 40 रुपया हो जाएगा, कहाँ से खाएंगे ये बताइए, कब तक ये भीख मांग के खाना खाएं, काम भी तो चाहिए, भीख मांग के खाना नहीं खाना है, काम करके खाना खाना है। किसको क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो मतलब गरीब आदमी को ही खाना होना को, लेकिन ये काम तो अच्छा किया है, अच्छा किया, खाने को कोई बात नहीं है, हो जाएगा, तो बहुत लोग रोज मिल नहीं रहा। आज मिला आपको? हाँ आज मिला, वो अंदर बनाया था राधा, वो दे के गया था, तो हमारा हम खाना पा लिया था बाबा, तो हम भी किसी को फिर देने गए तो बताया हम को दे दो बाबा, उसको दे दिया, हमारा खाना पा लिया। ऐसे रोज में मिल पा रहा है? रोज दे रहा है वो कि आज रोज हर शनिचर को बांटते हैं, लेकिन उस शनिचर को नहीं बांटे थे, आज भीड़ लगाना नहीं है, वो अपना बना के सब पैकेट पैकेट में दिया है, बहुत अच्छा काम किया। ऐसे तो यहाँ पे कोई मर गया है क्या सुबह? हाँ सुने थे एक बुढ़ा मर गया था, इसी के ऊपर मर गया था। क्या खाना वाना मिला है उसको? क्या खाना उना उसको 2-3 दिन पहले ही पगला टाइप को था, मांग रहा था, देख रहा था, उधर भी सोया है 2-3 दिन, लेकिन मरने को सुबह बहुत अच्छा भागा, इसको छोटा पर मर जाए। ठीक है थोड़ा संभल के रहिए आप भी, पर खाने वाना का रोज 20 दिन कैसे करेंगे? 20 दिन तो सब लोग अंदर है, कोई ना कोई भेजेगा बाबा, बोलना था यहाँ भेजेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 20 दिन ऐसे चले, यहाँ के आदमी ठीक नहीं तो कोई निकाल रहा है, निकाल नहीं पे तो बीमार हो रहा है ना, कोई मना नहीं सुन रहा है। कौन निकाल रहा है? आदमी सब यही पुलिस उधर चला जा रहा है, फिर आदमी चला आता है, ये सब तो करना ही ठीक नहीं है। बंगाल में एकदम पूरा क्लोज, एकदम बंद, डिसिप्लिन है वहाँ, यहाँ नो डिसिप्लिन नहीं ना, यहाँ के आदमी हम बताएंगे ठीक नहीं है, सुनता नहीं है, पर सरकार को थोड़ा खाने का इंतजाम करना चाहिए ना। हाँ सब खाने के सब इंतजाम थोड़ा करना चाहिए, अभी खोज खोज के देना चाहिए था, उस समय बाढ़ में तुम दे गया है इतना खाना, रात में खाना ले जाओ, अभी तुमको देखना चाहिए, जो LG ना NGO वाला है उसको भी तो देखना चाहिए, रात 12 बजे ले आते हैं। यदि एक्सेप्ट करता और कोई बात ही नहीं है, प्रेस तो हमारा पहले से ही पूजा पाठ में ज्यादा लगा रहता है। नहीं, पूजा पाठ वाली यह बात है ना, देखिए आप फिर साइंस की बात कर रहे हैं आप, पूजा पाठ को सबसे ज्यादा गलत कर्म जो है वो सब पूजा पाठ ही ठहराते हैं हम, प्रेस तो सबसे पहले ठहराता है कि अंधविश्वास है, धर्म पर सारे अखबार में सबसे पहले आपका राशि चिर राशि फल दिखाता है, अब वो कौन चला रहा है वो आप जाने भाई, वो तो प्रेस में कोई न कोई ज्योतिष वाले अटैचमेंट, हम उसकी बात नहीं करें, हम बात करें अभी जैसे ये जो कर्फ्यू लगा है 21 दिन का, कुछ नहीं ठीक है, सब खराब है एकदम। हम लोग मीडिया के और पुलिस के प्रशासन के सहयोग में हैं, हम लोग यहाँ पर सुबह शाम आते हैं, जो पूजा पाठ करना है किए दिए और अपने अपने घर, हम लोग की आरती हो गई, देखिए हम लोग जाएंगे घर। अच्छा। हम लोग यहाँ रुकेंगे नहीं, वहाँ देखिए। अच्छा, यहाँ पर जो लोग सोते थे पहले, जो गरीब लोग सोते थे, वो लोग कहाँ गए? सब अपने अपने घर गए, आप उनका इन्वेस्टिगेट करिए, सामने घाट सब अपने मड़ई बना के, वो जो मरीन बस्ती वाले रहते हैं देखिए, जाइए मिलिए वहाँ पे, सामने घाट में नगवा तरफ ना, नगवा नहीं सामने घाट पुल के नीचे इधर उधर। हाँ वो वहाँ पे भी है, वहाँ पे सब 100 परिवार लोग हैं। आपके पास कोई आया पूछने करने? नहीं भैया कोई नहीं, खा रहे कि मर रहे। एक बात हमारी सुन लीजिए ढंग से, आप लोग जाइए, कहाँ है भाई खड़े? एक खिचड़ी मिला भैया, खिचड़ी खिचड़ी मिला। हाँ चलो ठीक। भोजन बिना मर रहे हैं उनका।
हमको 45 साल हो गए बाबा बनारस में, 45 साल यहाँ पर। देखिए सब पेड़ मेरे हाथ में लगाए हुए हैं, जितना पेड़ देख रहे हैं आप लगाए पेड़ जी हम। ये 80 नावा था, ये पोखरी था, ये पोखरी था, ये भैया भोजन बटवाए हैं। ये जनरेटर देख रहे हैं, ये भी पॉलिथीन डाल के रहते, मैं अकेला हूँ, कोई है नहीं, लड़का मेरा ये है, इसका दिमाग डिस्टर्ब है, भोला पड़ गए हैं गोल में भैया, कोई है नहीं। तो हमारी धर्म पत्नी नगर निगम में काम करती थी, तो आई थी दीपा को 28 तारीख को, कुछ जेडी बना है ना, वो तैरने आता था, वो साड़ी फंस गई, मर गई, पोस्टमार्टम गया, दीपा को गया कि कर्फ्यू के कारण आप यहाँ पर जो सोए हैं, आपको खाने पीने, उनका ये पोस्टमार्टम का है, ये हरिचंद घाट का है, और ये देखिए उनकी फोटो है। हेलो, हाँ साहब, अरे ये अगलन पगलन के खाना पीना का ध्यान रखा था राजन के, अरे भैया खेले से का करे, हम आई तो दलते मार गए थे, के व्यवस्था बहुनी बातें वाले दे वाले हैं धान पे दवाई दे, अब दिहन दिहन तो कुछ दरोगा जी हैं, ये पोस्टमार्टम कराए थे बेचारे राजू जी हैं, ये हमारे बूढ़ा हैं, वो सब ठीक है। हम ये कह रहे हैं अभी आप यहाँ पर हैं, आपको सुबह शाम खाना मिल रहा है? कुछ नहीं, एकदम खैले मिला दिए, जी हम साहब आए थे आज यहाँ पर दिन में, वो शाही से पुलक भाई खाना मिला आप लोग कम का साहब, नहीं मिला तो दरोगा जी ने कहे कि भाई खाना तो मैंने बटवाए हैं घाट पर, हम भिजवा दिया है, 80 घाट पे तो कोई है ही नहीं, मतलब 80 घाट पे खाना आया भी नहीं, नहीं आया, नहीं आया, 80 घाट से सबको भगाया है ना, नहीं चौतरे पे सब बैठे थे, कितने लोग, अरे रहे पे 25 आदमी, और 3-4 बज गए, इधर लोग नहीं आया, खाना नहीं आया, थोड़ा सा चना दिए ना हमको, कह लो खाओ, हमको मालूम रहता था हम खाना लेकर के आते, एक झोला एजीएम साहब कहे भाई हमको पता नहीं कि सारा हमको ठीक बांटा होगा, बिल्कुल नहीं बचे, ये कल भी नहीं मिला था, नहीं भाई यही से ही हरदम चला पेपर में दिया था सबसे कि डेली 3 टाइम भोजन दिए जाए, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं मिला, ये तो वो खिचड़ी बटवान के मुँह में कुछ वहीं 3 दिन हो गया भोजन, 3 दिन 4 दिन भोजन कैसे होगा, 3 दिन हो गए कहीं जा रहे हैं, सिपाही मारे जहाँ जा रहे, रोड पर डंडा चल रहा है, मेरा सामान था पुलिस वाले, ये तो ऐसे मुंह पे तो बहुत अच्छा बात करते हैं, खाया पिया ठीक से है कि नहीं, अभी कुछ खुद खा ले रहे हैं क्या जो आ रहा है, कुछ नहीं आज के मिला खिचड़ी, ये वहीं के मिला खिचड़ी, कौन दिया, राधे जो होटल वाले ना, राधे जो है होटल वाले को बुनिया खिचड़ी, वो तो सरकार थोड़ी ना दिया, वो तो दिया अपने घर से बिचारे, हर सनी तो बटवा, तो अभी 20 दिन क्या करेंगे, अब बताइए क्या करेंगे, ऐसे रोज क्या करते हैं आप, जब बंद नहीं रहता था तो कहाँ जाए बाबा, हम लोग खाए रोज का मतलब आदमी के बल्ले टहल फिर पैसा आवत रहे कहीं से न कहीं से चलत रहे, ऐसे था धंधा पानी एकदम बंद हो, ऐसे था तो हमको डांटते रहे 10-20 रुपया दे देते रहे बाबा चाय पी लेना, सोची अब तो पैसा चाय पीने का नहीं, अभी जरूरत पे नहीं दे रहे हैं, कौन देगा बाबा, और मेरा सामान था आटा पिसान था इस्तर बिस्तर उठा के उन्हें फेंकवा दिए, देख लीजिए जहाँ था फेंकवा दिए, पुलिस वाले कहाँ पे था, अंदर देख लीजिए, पहले कहाँ था, ये जो देख रहे हैं मंडामा डाले थे बाबा, ये जनरेटर देख रहे हैं ना, ये सुबह बनारस का है, सुबह बनारस आरती होता है ना, ये उनका है, तो जनरेटर कमिश्नर साहब ये है सुबह बनारस को, सरकारी है, इसको हम देखते हैं, उसको देखभाल करते हैं, कोई ना सोते हैं, और मंडामा डाले से आइन होती है, मेरा बिस्तर आटा पिसान मेरा कपड़ा वपड़ा सब, तो इनको ऑर्डर आया कि घाट खाली कराने का क्या, हाँ तो जितना लोग सोता था घाट पे कहाँ गया, अपना उधर इधर अपना सोते हैं, क्या करेंगे,
कम से कम सब कोई घाट पे होता तो एक जगह सबको खाना मिल जाता है, लोग आके दे देता है, सबको भगा दिए। भले ही घाट पे रहता है, थोड़ा दूर दूर रहता रोड पर जाते हैं कि कहीं से अभी ना मिले। अभी कहाँ कहाँ है सब छितरा गया? हाँ छितरा गया, रोड पर जाते हैं तो पुलिस डंडा मारता है। मारते हैं भाई भैया। क्यों मार रहा है ये लोग डंडा? क्यों क्यों उधर आए खाना ले? इनको डंडा मारने से क्या मिल रहा है? घूम रहे हो आज हमारे महावारी पर। आज हम सवेरे गए है, लाठी चलाओ लगने ने भागे गली में से। कहाँ पे? आश्रम में। आश्रम के अंदर मारा? रोड पर भाई, रोड का गेट मरवाड़ी रोड का गेट हो, लोग परेशान कर रहे हैं। तो वहाँ क्यों गए थे आप? खाना लेने के लिए। अभी दे रहे हैं वो लोग? देते हैं अभी भी। देते आश्रम है, मरवाड़ी आश्रम है, आश्रम से खाना मिलता है। कहाँ पर है ये? अब नहीं दे रहे हैं। 7 बजे दे लें कुछ, दिन भर में 3 टाइम भोजन मिलेगा। अभी बंद है क्या आज? मतलब वही एक आश्रम है कि वो भोजन देते हैं और आश्रम तो सब बंद है। अरे वहाँ जाएंगे तो मार खाएंगे। मतलब जिसको आपकी मदद करनी चाहिए वो उसका वो आपका जीना और बदम परेशान कर रहा है। ये बात हुआ, बड़ा मौके पर आ गए बात। आपका नाम क्या है? सज्जन। सज्जन 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 जी। और आपका? हमारा नाम, हमारा नाम शारदा प्रसाद है। हमारा घर देहात है, यहाँ धंधा उन्ना करते हैं, एक लग गया बवाल है, 2 पैसा कमाते रहें, कारोबार बार तो इन्हीं लोग के लगे रहते हैं अपना। हमारे बूढ़ा में पैसा भी है बैंक में भैया, तो अब आश्रम में मिला है, 5 दिन का मैं 1 साल हो जाएगा। ठीक है, पैसा नहीं ना भोजन की पैसा।